दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन के गायरी सेक्टर में 7 अप्रैल 2012 की सुबह एक बहुत बड़ा एवलैंच होता है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के लगभग 130 फौजी मारे जाते हैं। अगले ही दिन इस एवलैंच की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में टॉप हेडलाइन बन जाता है और कुछ न्यूज चैनल भारत पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यह कोई प्राकृतिक एवलैंच नहीं बल्कि भारत द्वारा किया गया एक लेजर बीम एक्सपेरिमेंट है। उनके अनुसार भारत बहुत समय से लेजर तकनीक से एवलांच लाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें भारत सफल हो चुका है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। आखिर क्या था यह ऑपरेशन व्हाइट वॉश और भारत ने कैसे इसे सफल बनाया, जानेंगे स्पाई स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में। 2009 में कश्मीर के जवाहर टनल के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जमने के कारण टनल को बंद कर दिया जाता है। कोई भी हादसा ना हो इसलिए BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द बर्फ हटाने का काम सौंप दिया जाता है। काम को और भी तेजी से करने के लिए DRDO के लेस्टेक यानी लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को भी बुलाया जाता है। दोस्तों, जिस समय BRO और लेस्टेक मिलकर बर्फ हटा रहे थे, तब वहां रॉ का एक सीनियर फील्ड ऑफिसर भी मौजूद था। रॉ का वह ऑफिसर देखता है कि बर्फ हटाने के लिए लेस्टेक के टेट्रा व्हीकल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके पीछे एक विशालकाय आर्टिलरी गन जैसी कोई डिवाइस लगी है और जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है काली। काली को देखते ही रॉ का वह ऑफिसर इतना उत्सुक हो जाता है कि मानो उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसी डिवाइस देखी हो। रॉ का वह ऑफिसर काली के बारे में जानने के लिए लेस्टेक के वैज्ञानिकों से बात करने लगता है। लेस्टेक के वैज्ञानिक ऑफिसर को बताते हैं कि असल में वह आर्टिलरी गन जैसी दिखने वाली डिवाइस जिस पर काली लिखा है एक लेजर गन है, जिसकी मदद से टनल पर जमी बर्फ में छोटे छोटे एवलांच लाकर बर्फ को हटाया जाएगा। रॉ का वह ऑफिसर वैज्ञानिकों के इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या इस तकनीक का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किया जा सकता है या नहीं। यदि इससे छोटे एवलांच लाए जा सकते हैं तो क्या इससे बड़े एवलांच लाए जा सकते हैं। इस प्रकार कश्मीर से दिल्ली आते ही वह ऑफिसर अपने सीनियर्स को इस तकनीक के बारे में बताता है, लेकिन उसके सीनियर्स इस तकनीक को बेकार बताकर रिजेक्ट कर देते हैं। पर रॉ का वह ऑफिसर हार नहीं मानता और कई महीनों तक लेस्टेक और सैस यानी स्नो एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिसर्च करने के बाद एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार करता है और उस समय के रॉ के चीफ संजीव त्रिपाठी तक पहुंचा देता है। संजीव त्रिपाठी इस तकनीक को मान जाते हैं और उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन से बात करते हैं। उस समय NSA MK नारायणन और रॉ चीफ संजीव त्रिपाठी बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए संजीव त्रिपाठी को NSA को यह बात समझाने और उन्हें मनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। कई दिनों के मेहनत के बाद NSA MK नारायणन और उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मना लेते हैं। इस प्रकार प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाती है और NSA MK नारायणन को इस प्रोजेक्ट का हेड नियुक्त कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट के टीम को बनाने की। प्रोजेक्ट के टीम को रॉ DRDO के लेस्टेक, इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स से चुना जाता है और प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। इसी दौरान रॉ और सैस के ऑफिसर्स 20,000 फीट ऊपर स्थित सियाचिन में इंडियन आर्मी के आर्मी एयर बेस का दौरा करते हैं, जहां से पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर साफ साफ दिखाई देता है। सैस के वैज्ञानिक पूरे एरिया की मैपिंग करके ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स को चुनती है जिससे कि एक्सपेरिमेंट के बाद पूरा का पूरा टेस्ट एरिया बर्फ के नीचे दब जाए और पाकिस्तान को एक भी सबूत ना मिले। ट्रिगर पॉइंट्स को चुनना और पूरे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग पेपर पर हो चुकी थी, लेकिन लेस्टेक के वैज्ञानिकों के सामने कुछ चुनौतियां थी। पहली चुनौती यह थी कि 10 टन से भी भारी काली गन और इसको पावर देने वाली जनरेटर्स को 20,000 फीट ऊपर सियाचिन में ले जाना, और दूसरा, अगर काली का प्रयोग जमीन पर किया गया तो इसके वाइब्रेशन और आवाज से इसके आसपास की बर्फ धस सकती है,
जिससे कि काली के पास मौजूद सभी ऑफिसर्स और वैज्ञानिक मारे जा सकते हैं। इसलिए निर्णय लिया जाता है कि काली का प्रयोग जमीन पर नहीं बल्कि एयर प्लेटफॉर्म यानी कि आसमान से किया जाएगा, और जिसके लिए रॉ का एविएशन रिसर्च विंग ARC इंडियन आर्मी के दो विशालकाय प्लेन IL-76 का उपयोग किया जाएगा। दोनों IL-76 प्लेन्स को कटक में मौजूद ARC के एयर बेस प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जहां पर इन प्लेन्स में काली 50,000W लेजर वेपन को लगाया जाता है। यह काली 50,000W लेजर वेपन उस काली गन से कई गुना शक्तिशाली थी जिसे रॉ के ऑफिसर ने जवाहर टनल पर देखा था। दोनों IL-76 प्लेन्स में काली को लगाने के बाद इन दोनों प्लेन्स को सरसवा एयरफोर्स स्टेशन पर ले जाकर पार्क कर दिया जाता है, जहां इनकी सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज को तैनात कर दिया जाता है। इधर इंडियन आर्मी के सियाचिन पोस्ट पर एक ऑब्जर्वेशन टीम पहले से ही मौजूद थी, जिन्हें हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दिया गया था। प्लान के अनुसार सब कुछ करने के बाद ऑपरेशन व्हाइट वॉश के लिए D-Day चुना जाता है, 7 अप्रैल 2012 दोपहर के 12 बजे। इस ऑपरेशन के लिए दोपहर का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि सियाचिन में ज्यादातर नेचुरल एवलांच दोपहर के समय ही आते हैं, लेकिन क्योंकि यह ऑपरेशन दोपहर के समय एयर प्लेटफॉर्म से होना था, इसलिए पोलराइजेशन और हाई प्रिसीजन शूटिंग जैसी तकनीकी समस्या आ रहे थे, जिसे सुलझाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की सहायता ली जाती है। वैज्ञानिक प्रोजेक्ट की स्टडी करके सुझाव देते हैं कि इस ऑपरेशन को सुबह किया जाए या फिर शाम को। उनके अनुसार इन तकनीकी समस्याओं का एकमात्र यही रास्ता था। प्रोजेक्ट के सभी लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के अनुसार ऑपरेशन के समय को बदलकर सुबह के 4 बजे कर देते हैं। अब ऑपरेशन व्हाइट वॉश 7 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे होना था। इस प्रकार D-Day के दिन काली से लैस दोनों IL-76 प्लेन्स सरसवा एयरबेस से उड़ान भरते हैं और सियाचिन में पहले से ही निर्धारित कोऑर्डिनेट्स पर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। इनके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स का एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एयरबैग प्लेन और रिफ्यूलिंग के लिए एक IL-78 प्लेन भी इनके पीछे पोजीशन ले लेते हैं। ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह के सिचुएशन के लिए सुबह के 2 बजे से ही 6 मिराज फाइटर जेट और 2 सुखोई फाइटर जेट पहले से ही IL-76 प्लेन्स के आसपास के एरिया को स्कैन करना शुरू कर चुके थे। इधर SAS के वैज्ञानिकों की एक टीम सैटेलाइट डेटा रिसेप्शन सेंटर और 3D टेरेन विजुअलाइजेशन सेंटर से मिली डेटा को एनालाइज करने के बाद ट्रिगर पॉइंट्स मार्क कर चुकी थी। सभी वैज्ञानिक और रॉ के ऑफिसर्स और NSA आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए थे और लगातार प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस और इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हेड NSA MK नारायणन तक पहुंचा रहे थे। 7 अप्रैल के सुबह 4 बजते ही IL-76 प्लेन में लगी काली गन 30,000 फीट की ऊंचाई से ट्रिगर पॉइंट्स पर 100% प्रिसीजन से लेजर शूटिंग शुरू कर देती है। कुछ समय बाद सुबह के लगभग 5:40 पर सियाचिन में ऑब्जर्वेशन टीम को एवलांच की आवाजें सुनाई देती है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर पर एवलांच शुरू हो चुका था, जिसकी तेजी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पाकिस्तान आर्मी इस एवलांच को देखते ही अपने आर्मी बेस के जवानों को अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से गिरती हजारों टन बर्फ उनको कोई मौका नहीं देती। 10 से 15 मिनट में ही पाकिस्तान आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर 80 से 100 फीट मोटी बर्फ के नीचे दब जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के अनुसार इस एवलांच में उनके 124 फौजी मारे गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी के अनुसार इस एवलांच में पाकिस्तानी आर्मी के 130 से भी ज्यादा जवान मारे गए थे। पाकिस्तान आर्मी के अनुसार नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर के ऊपर 80 फीट मोटी बर्फ की परत जम गई थी, जिसे बड़े बड़े डिगिंग मशीन भी नहीं हटा सकते। काली के इस विनाशकारी दृश्य को देखकर DRDO के वैज्ञानिक भी भयभीत हो गए थे। ऑपरेशन व्हाइट वॉश सियाचिन में पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर के लिए एक बहुत बड़ा विनाश था, जिसे पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता के बाद से DRDO काली के एक छोटे कॉम्पैक्ट मॉडल को विकसित करके इंडियन आर्मी को दे चुके हैं, जिसका प्रयोग इंडियन आर्मी किसी भी युद्ध स्थिति में कर सकता है। दोस्तों, ये था स्पाई स्टोरीज का पहला एपिसोड, ऑपरेशन व्हाइट वॉश। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
मिलते हैं स्पाई स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।